हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज 31 अगस्त 2024, पेपर से एक दिन पहले, आज का दिन ऐसा है कि जहां पे बच्चों के दिमाग में थाउजेंड ऑफ थॉट्स होते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है, कैसी नहीं है, इन सब बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में है वसुंधरा मैम, सुपर्ब सर और मायसेल्फ साहिल शर्मा। तो एक एक करके इन सभी का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि कभी इन्होंने जब पेपर दिया था तो इन्होंने उन चीजों को कैसे डील करा था। तो सबसे पहले हमारे वसुंधरा मैम आपको कुछ टिप्स देंगे कि भाई एक दिन पहले का जो भी प्रेशर है या पेपर वाले दिन उन चीजों को कैसे डील करना है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं कह रहा हूं भाई, जो आपने पिछले 5-6 महीनों में तैयारी करी है ना, उन सबका जो निष्कर्ष है वो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई उन चीजों को यूज कैसे करना है जो भी आपने सारी पढ़ाई की हुई है। तो मैडम, कुछ बच्चों के लिए आपकी तरफ से सजेशन, कुछ टिप्स? टिप्स तो देखो, अभी सब बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं मेरे हिसाब से, है ना। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी बच्चे हमारे साथ एसोसिएटेड रहे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, और होप करते हैं कि भाई यूपीएससी भी मेहरबान रहे उनके ऊपर। लेकिन पेपर की अगर बात करें तो मुझे जब मैं पेपर देने जाती थी एक डर लगता था बहुत ज्यादा कि मैं ना लेट हो जाऊंगी। अच्छा। मतलब मुझे रात भर ये सपने आते थे कि मैं लेट हो जाऊंगी, एग्जाम नहीं पहुंच पाऊंगी टाइम से देने। तो एक पंक्चुअलिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप अपना जो भी आपका सेंटर है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप अपनी ही सिटी में दे रहे हो, तो एक घंटा पहले कोशिश करो पहुंचने की, और अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाओ तो वहां दिक्कत ना आए, ताकि आपको किसी भी ये बात मैडम ने बिल्कुल सही बोली। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं, लास्ट टाइम यूपीएससी ने चेंज कर दिया था, उससे पहले रोल नंबर पे लिखा होता था कि आपको 10 मिनट पहले तक पहुंचना है। इट मींस कि 8:50 तक आपकी एंट्री हो सकती थी, बट लास्ट टाइम यूपीएससी ने रोल नंबर पे ही लिख दिया हुआ था कि आपकी जो है वो एंट्री 30 मिनट्स के पहले तक ही होगी, उसके बाद नहीं होगी। मतलब 8:30 हमारा लास्ट टाइम था। तो लास्ट टाइम इसी रीजन की वजह से काफी बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जो बेचारे 10-10, 12-12 अटेम्प्ट दे चुके थे, उन्होंने रोल नंबर पढ़ा नहीं, डिटेल्स उन्होंने पढ़ी नहीं, तो बेचारे लास्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही वो रह गए। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, अपना मतलब वो कूल एटीट्यूड यहाँ पे नहीं दिखाना कि भाई अपना क्या है, अपने को तो पुराने खिलाड़ी है, ऐसे बहुत बार पेपर दे लिया, इन चीजों पर नहीं जाना। यूपीएससी सबका बाप है, वो मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्या कहते हो सुपर्ब सर, आपका क्या बच्चों को सजेशन है? जी सर, बिल्कुल सही बात की आपने। पेपर से पहले आपको एक तो फर्स्ट थिंग कि आपको 8 घंटे की कम से कम नींद लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अच्छा सोएंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, और वो 8 घंटे, वो ये नहीं होना चाहिए कि भी आपका 8 घंटे 9 बजे कंप्लीट हो रहे हैं। सुबह 7 या 6 बजे तक आप उठ जाने चाहिए, अपना नहा धो के बढ़िया ब्रेकफास्ट, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसे होता है कि बच्चे जो है वो अपना स्लीप साइकिल जो है वो सेट नहीं कर पाते। बच्चे रात को पढ़ते हैं और पेपर वाले दिन पेपर में आपको नींद आती है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों के लिए। तो आप मेक श्योर करिए कि अपना स्लीप साइकिल जो है वो आप पेपर के हिसाब से एडजस्ट करिए। ठीक है सर, आपने जस्ट मतलब अपने टाइम पे जब पेपर दिया था लास्ट टाइम, अभी आपने असिस्टेंट कमांडेंट का भी इंटरव्यू दिया, आपने वो पेपर दिया, उस टाइम पे ने आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? मतलब की नो डाउट आप काफी प्रेशर में भी होंगे, एक दिन पहले बहुत सारे थॉट सारे होंगे कि भाई पता नहीं इतनी मेहनत जो मैंने करी उसका कुछ होगा भी या नहीं होगा, तो इन थॉट्स का पेपर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और आपने इन चीजों को कैसे ओवरकम करा? सबसे पहले कि सर, जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं उनमें आप डिस्कशंस अवॉइड कीजिए। डिस्कशन जो आप करते मतलब हैं, आप चार दोस्त बैठ के कि भाई मैंने ये पढ़ लिया, मैंने उसकी वीडियो देख ली, मैंने इसकी वीडियो देख ली, तो ये चीजें नहीं करनी। आपने जितना कर लिया होगा वो सफिशियंट है जी सर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल। और कुछ सर, मतलब ड्यूरिंग एग्जाम जैसे थॉट्स आते होंगे? ड्यूरिंग एग्जाम जो अपनी आपकी स्ट्रेटेजी है वो आप फॉलो कीजिए। पेपर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट जो आपने स्ट्रेटेजी ओवर द टाइम बिल्ड की है, जो आपने मॉक्स दिए हैं उनमें जो आपने कैलकुलेटेड गैसेस लेते हैं, उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, वो लास्ट मोमेंट पे आप चेंज मत करिए। बिल्कुल, ये पॉइंट सर ने बिल्कुल सही कहा। मतलब बच्चा करता क्या है, देखो दो तीन तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा जिसने अपने सीरियस एफर्ट डाले हुए हैं, 6 महीने से वो पढ़ रहा है, जब वो पढ़ रहा है उसको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता है, तो बच्चे को इस चीज से पेपर से पहले अवेयर रहना है कि भाई उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का स्ट्रॉन्ग पार्ट इंग्लिश है और इंग्लिश सबसे पहला पेपर है और वो इंग्लिश में मतलब उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो उसको ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना। उसको ये समझना है कि भाई अगर मान लो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी अगर वो कम अटेम्प्ट हुआ, दैट मीन्स वो सबके लिए टफ था, उस अकेले के लिए टफ नहीं था। तो
इन थॉट्स को ओवरकम करने की भाई नहीं मैं मतलब कि मेरा कम अटेम्प्ट हुआ तो मैं उस हड़बड़ाहट में ओवर अटेम्प्ट कराऊं, ऐसी चीजें नहीं करनी, अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखना है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा बच्चों को ये बात बोलती हूँ, जिन बच्चों ने तैयारी करी है ना, इंग्लिश की मैं बात करूंगी और जीएस भी काफी हद तक, कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, आपको पता है बहुत सारी बातें, तो कई बार हमारा जो पहला गेस होता है ना किसी क्वेश्चन को लेके वो बिल्कुल करेक्ट होता है। जब हम उसको ना बहुत ज्यादा थॉट देने लग जाते हैं, अच्छा इसने क्या बोला था, उसने क्या सोचा, वो क्या लिख रहा होगा, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं और फिर बाहर हॉल से आगे हम डिस्कस करते हैं, यार पहले तो दिमाग में यही वाला आंसर आया था, मैंने पता नहीं क्या सोच के मांग रहे। तो ये मत करना, अगर तैयारी है, आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको बिल्कुल वो लेट डाउन नहीं करेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, बढ़िया अटेम्प्ट करने। और इंस्ट्रक्शंस की आप बात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना अवॉइड करते हैं, तो आपका जो भी एडमिट कार्ड है कई बार चेंजेस आते हैं लास्ट मिनट, बिल्कुल उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ के जाइए क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, अलाउड है नहीं है, वो सबको एक बार आप फिगर आउट करके जाना, वहां जाके कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैम बच्चों को आप एक ये आइडिया दे सकते हो कि भाई चलो पेपर चाहे जैसा भी आए उनको मिनिमम अटेम्प्ट कितना रखना चाहिए, या मतलब अगर मिनिमम अटेम्प्ट नहीं तो उनको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे ऐसे सेटिस्फेक्शन महसूस कर लेनी चाहिए कि भाई हाँ जो मैंने करा वो अच्छा करा। बिल्कुल। देखो अभी जैसे लास्ट जो पेपर आया था CDS का, काफी अनप्रेडिक्टेबल था इंग्लिश के मामले में, तो वो सबके लिए टफ था, ठीक है। बट अगर पेपर बहुत जेनेरिक आता है मैं बोलूंगी कम से कम 90-100 अटेम्प्ट्स रखने चाहिए अपने, मिनिमम 90 तो, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी है तो सबके लिए मेरिट जाएगी ही जाएगी, अगर डिफिकल्ट है तो भी आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड, कैलकुलेटेड गेसेस जैसे आपने कहे, उन सब से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएगी। हाँ, पढ़ी भी होती है चीजें, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं बट उससे ज्यादा नहीं। अब आप बताओ आपने एग्जाम दिया, आप अपना एक्सपीरियंस। मैं उस बात पे भी आऊंगा पर मैं उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, बच्चे जीएस के पेपर में बहुत कंफ्यूज रहते हैं सर। वो मतलब कि जैसे उनको पता ही नहीं होता कि भाई हाँ हमने जीएस में जो करा वो अटेम्प्ट हमारा बिल्कुल मतलब सही है, एक्यूरेट है या नहीं है। तो आप बच्चों को क्या सजेशन दोगे कि भाई कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट जीएस में रहने चाहिए? नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैं एक सही वर्ड नहीं यहाँ पे मानूंगा, बट स्टिल कि भाई बच्चे को ऐसा महसूस हो कि भाई हाँ जो मैंने करा वो अबव एवरेज है जिससे मैं मेरिट लिस्ट में आ सकता हूँ। जी बिल्कुल, एक सेफ अटेम्प्ट आई वुड से कि जो चार सब्जेक्ट है आपके कोर, एक आपका ज्योग्राफी, दूसरा पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर, आई वुड से कि ये चार सब्जेक्ट आप पूरा अटेम्प्ट करके आइए, इवन इफ यू आर स्टक विद 50-50 आप वो भी अटेम्प्ट करिए। ये चार सब्जेक्ट जो होते हैं ये आपके पेपर टू के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, इसको आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका पेपर ऑलमोस्ट निकल जाएगा। जी तो ये मतलब चार सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ेंगे। पॉइंट जो मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर है, इसमें बच्चा मतलब जब भी तैयारी शुरू करेगा सबसे पहले यही सब्जेक्ट उठाएगा और इनमें बच्चे ने ज्यादा एफर्ट डाले होते हैं, तो कई बार होता है ऐसा कि बच्चा कंफ्यूज जरूर होता है बट उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सही आंसर देता है। तो अगर आप मान लो 50-50% भी हो या फिर मान लो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया उन दो में भी तुक्का मारो, अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इन चार सब्जेक्ट में जो सर ने अभी नाम लिए इनमें जरूर उन तीन में भी आप गेस कर सकते हो। उसके बाद अगर हिस्ट्री इकोनॉमी की बात करें तो उसमें अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो उनको कम से कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, एम आई राइट सर? बिल्कुल सर। और फिर मैं बात करता हूं मैथ्स की, मैथ्स का पेपर देखो भाई बच्चा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई जिस बच्चे ने पिछले तीन महीने से कुछ पढ़ा नहीं तो वो अभी जाके कुछ ना कुछ ऐसा कराएगा, है ना। वो तो टोटली डिपेंड करता है कि भाई आप पिछले 3-4 महीने में आपने एफर्ट कितने डाले हुए हैं मैथ्स में, उसके अलावा मैथ के लिए और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है कि भाई आपका पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा, वो टोटली डिपेंड करेगा आपने पिछले 3-4 महीनों में कितना एफर्ट उसमें डाला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ के लिए मैं इतना बोलूंगा कि अगर मान लो जैसे आप स्पीड के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाते, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो पाते, उसका रीजन होता है कैलकुलेशन, और यूपीएससी जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालता है कि वो शॉर्टकट तरीकों से भी हो जाते हैं बट अगर लॉन्ग कट से चलोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत लेंथी जाती है। सबसे पहले तो हर स्टेप पे कैलकुलेशन अवॉइड करनी है और दूसरा हर क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता, आपको ऑप्शन देखने होते हैं, ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं, आपको एक आइडिया लेना होता है कि मेरा जो आंसर है, लेट्स सपोज कि ऑप्शन में 4,000, 5,000, 6,000 और 7,000 ऐसे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको एक गैस लग गया कि भाई मेरा जो क्वेश्चन आंसर है वो 6,000 के राउंड आ रहा है, जब आपने 6,000 आपको गैस लग गया तो आपने सीधे 6,000 टिक करना है। हर क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं।
फिर अब अगर मैं बात करूं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की, देखो मेरे को जो सीडीएस के पेपर की अवेयरनेस थी वो बहुत लेट पता चली, मतलब कि मैं आई वॉज इन टू माई ग्रेजुएशन, आई वॉज इन टू माई इंजीनियरिंग, तो मैंने सबसे पहले प्लस टू करी, फिर ड्रॉप करा, फिर चार साल की इंजीनियरिंग करी, तो मतलब जब तक मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो रही थी मेरे पास सीडीएस के अटैम्प्ट नहीं बचे थे, और मतलब फाइनल ईयर में मेरे पास फाइनल ही अटैम्प्ट था। तो अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं, जब मैं वो फाइनल अटैम्प्ट भी देने आया, आईएमए का ही वो मेरा फाइनल अटैम्प्ट था, तो मैंने तैयारी कुछ खास इतनी करी नहीं थी, और वो जो अटैम्प्ट था वो मेरा बर्थडे वाले दिन ही था, 3rd of February, मेरे को याद नहीं, वो 2019 आई थिंक 3rd of February को ही वो हमारा एग्जाम था। तो मैं पेपर देने गया, मैं थोड़ा ऐसे कैजुअल चला गया, कूल माइंडेड हो गया कि भाई क्या सीडीएस का पेपर, ऐसे इंजीनियरिंग करी हुई है, जीएस में 20 नंबर ले लेंगे, इंग्लिश में भी 60 नंबर तो आ ही जाएंगे, मैथ में भी मतलब इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो मैं 50 नंबर तो मैथ में भी कर ही लूंगा। बट जब मैं वहां पे गया तो सबसे पहले मतलब इंग्लिश का देख के ही मैं थोड़ा बौखला गया, जहां मेरा कॉन्फिडेंस 60 नंबर का था, द मोमेंट आई ओपन द पेपर वो एकदम से 20 से भी नीचे आ गया। मेरे को रियलाइज हो गया कि भाई मेरा यहाँ पे जो है वो 20 नंबर भी नहीं बढ़ने वाले, तो मैं थोड़ा ऐसे हुआ कि नहीं यार मैं तो 2 घंटे यहाँ पे बिता ही नहीं सकता। मैं उठ के चलने लगा, मेरे को जो इनविजिलेटर है उसने रोक दिया कि भाई क्या, मैंने कहा सर बस मेरा पेपर हो गया, कहता तू नहीं जा सकता। तो थोड़ा जैसे कॉलेज में ही था अभी मैं, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर मेरा चल रहा था, तो थोड़ा एटीट्यूड ऐसा था कि जो भी होना नहीं चाहिए किसी भी बच्चे का, तो मैं भी थोड़ा हो गया मैं ऐसे कैसे नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब वहां पे मेरी कई देर 15-20 मिनट ऐसे बहस चलती रही, फिर थोड़ा मैंने भी रियलाइज करा कि मेरी वजह से बाकी बच्चे भी पेपर जो है वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैंने वो 2 घंटे वहां पे सो के निकाले। तो मैंने सीडीएस का उस टाइम पे सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर दिया, हाँ मैंने एफकैट के पेपर दिए। एफकैट के पेपर में मैं हमेशा ही एक मेरी एक ये आदत है कि मैं जो मेरी विजुअलाइजेशन है ना, मैं हमेशा एक ऐसा बिलीव करता रहता हूँ कि भाई उसको अटेम्प्ट करने से पहले मैं मेंटली इतना ज्यादा प्रिपेयर हो चुका होता हूँ पॉजिटिविटी से कि मेरे को ऐसा लगता है कि बस मेरे को अभी ये प्रोसेस फॉलो करनी है, जो रिजल्ट है वो मेरे फेवर में ही आएगा। और इस माइंडसेट ने मेरे को हमेशा बहुत फायदा दिया है। मैंने जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज तक निकाले हैं, सीजीएल हो गया, बैंकिंग के हो गए, इनफैक्ट एफकैट हो गया, आईनेट भी हमारे टाइम पे होता था, ये सारे एग्जाम मेरे सिर्फ इसी माइंडसेट की वजह से निकले कि हमेशा ही मेरा जब भी मैं तैयारी कर रहा होता था मैं खुद को इमेजिन ही ऐसे करता था कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मेरे को निकलना है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा पेपर नहीं निकले। तो बच्चों को सजेशन मेरी भी यही है कि तुम आज का दिन बस यही देखो कि भाई हाँ हमने तो वर्दी पहन ली बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया, और ये पॉजिटिविटी वाली बात बहुत अच्छी बोली कि इस टाइम पे स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत नॉर्मल है, मतलब प्रेशर में हो आप, हम भी बहुत अच्छे से समझते हैं, हम भी थोड़ा बहुत प्रेशर में है कि पेपर कैसा आएगा, एंड हमें भी है कि स्टूडेंट्स का हो जाए, बट आपको पॉजिटिव रहना है इस टाइम बहुत जरूरी है, और वो तभी आएगा जब आप, जैसे सर ने बोला, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होगा, आपने अच्छा खाना खाया है, आप हाइड्रेटेड हो, वही चीजें हेल्प करेंगी। और पेपर देने के बाद ना, अभी एक चीज मैं ये भी बोलूंगी कि आके बाहर अगर आपको लग रहा है ना मेरा पेपर अच्छा हुआ गंदा हुआ, हम डिस्कस करते ही अपने दोस्तों से आसपास के बच्चों से कि यार तेरा इसका क्या आंसर आया, अगर आपको लग रहा है ना यार मेरे तो बहुत गलत हो गए, तो घबराना नहीं है, मैं तो कहती हूँ डिस्कशन अवॉइड ही करो, डिस्कशन अवॉइड करो, क्योंकि आप प्रेशर में आ जाते हो दूसरे एग्जाम के लिए, तो अवॉइड इट कम्प्लीटली। हाँ, और अभी तो भाई जैसे कुछ घंटे बचे हैं, अपना एंजॉय करो, खाओ पियो बढ़िया, कोई मूवी देखो, कोई मोटिवेशनल मूवी देखो, अगर आपको कुछ जो यूट्यूब पे इतने फनी कॉमेडियन होते हैं, हाँ आर्मी की मूवी देख सकते हो, क्या कहते हो सर, कुछ मूवी सजेस्ट कर सकते हो आप? मैं तो जब मेरे पेपर्स होते थे उससे पहले तो मैं एक ही मूवी देखता था, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर ये अवॉइड जादू कुछ हो जाए है। जी बिल्कुल, इट वाज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। हाँ मतलब हर किसी के लिए कुछ कुछ होगा। मैडम भी कुछ आई थिंक आप बता रहे थे कि आप भी पेपर से पहले मूवी देख के जाते थे जरूर। हाँ मतलब मैं डियर जिंदगी का लोनाओ ऐसी टाइप की मूवीज देखती थी कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग, सो अगर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, लाइफ इज वे बियॉन्ड, और बट आप लोगों का हो जाएगा, डोंट वरी, और टेंशन भी लेनी बस किसी भी चीज की। बिल्कुल भाई, अपना खाओ पियो मस्त रहो, जितने भी मतलब पुराने यार दोस्त है सबको कॉल कर लो, किसी के साथ ऐसे ही कोई है जो तुम्हें बहुत परेशान करती है, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसको फोन करके सुना दो कि भाई मैं तो जा रहा हूँ ऑफिसर बनने, इंतजाम। एक बार पेपर खोलने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लो, और क्या वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बाकी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
जैसे ही कल पेपर खत्म हो जाएगा इसी चैनल पे आपको बिल्कुल सटीक आंसर की यहाँ पे हर पेपर की मिल जाएगी। 2 बजे आई थिंक आपको पहली वीडियो जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आपका 2 बजे पेपर खत्म होगा 2 बजे आपको इंग्लिश की आंसर की, उसके बस 2-2 घंटे के ब्रेक पे आपको हर पेपर की आंसर की मिल जाएगी। तो आपने अपना जो है वो आंसर की से देख लेना, जब भी आपको टाइम लगे आंसर मिलाना और जैसा भी आपको फीलिंग आए उसी के अकॉर्डिंग अगला प्रोसीजर फॉलो करना, ठीक है जी। तो बच्चों हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, फाड़ के आना बस, बिल्कुल मिलते हैं आपको फिर कल विद गुड न्यूज ऑब्वियसली।